हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई कमाल की वीडियो में। क्या आप भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर लाइव स्ट्रीमिंग, पॉडकास्ट, या फिर ऐसे कोई भी चीज? अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है विथ क्लियर साउंड क्वालिटी और आपका बजट ज्यादा नहीं है, आप ढूंढ रहे हो एक डिसेंट प्राइस में एक अच्छा खासा माइक जो आपकी हेल्प करे क्रिस्टल क्लियर वॉइस रिकॉर्ड करने में, तो मैं आपके लिए दो तगड़े माइक लेकर आया हूँ बिल्कुल बजट में। दोनों अलग अलग प्राइस रेंज में होंगे। तो सबसे पहले जो मैं माइक आपको दिखाने वाला हूँ वो है बोया का। हालांकि दोनों माइक बोया के हैं। पहला ये वाला माइक है जो कि वायर्ड माइक है, एक अच्छी खासी लेंथ के वायर के साथ में आता है। तो ये जो माइक है ना, ये मैंने यूज करा, बहुत ही शानदार है। इसकी प्राइस है 800 रुपए। 800 रुपए में आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मेरे से भी मिल जाएगा। वैसे परचेस करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में और मैं एंड में अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा जिससे आप मुझसे परचेस कर सकते हो। तो वैसे इसकी प्राइस 800 रुपए है। अब ये कैसा है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। चलो वीडियो शुरू करें। तो शुरुआत करेंगे अपन इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। तो अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अंदर से हमको सबसे पहले निकलता है एक पाउच जिसके अंदर सारी एसेसरीज भरी हुई है। सबसे पहले आप देख सकते हो माइक निकलता है, वायर्ड माइक है हमारा और क्वालिटी इसकी काफी सही है। और अंदर से निकलती है एक क्लिप। ये क्लिप आपको अटैच करनी होगी अपने वायर से, क्योंकि यही जो क्लिप होगी ये आपकी कॉलर पे अटैच होगी। और अंदर से निकलेगा एक फोम। ये वही फोम है जो कि आपको अपने माइक के ऊपर फिट करना है, अपने माइक को पहनाना होगा, ताकि ये फोम क्या करता है, ये जो आसपास की एयर होती या फिर थोड़ा बहुत साउंड है उसको कम कर देता है और आपके माइक को भी बाहर की डस्ट या फिर थोड़ी बहुत डैमेज से बचाता है। उसके बाद हमको मिलता है 1/4 अडैप्टर। अब इसको 1/4 या फिर 1/4 अडैप्टर जो भी कहते हैं वो मिलता है। वैसे इसमें हमको हमारे माइक की 3.5 mm की जो पिन है वो अटैच करनी होगी। ये तब काम आएगा जब आप DSLR में या फिर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में यूज कर रहे हो जहां वो मोटी वाली पिन लगती है। ये भी साथ में दिया है। और हमको मिलेगी एक बैटरी LR44। ये बैटरी आपको अपने माइक की जो एक बॉडी आती है उस बॉडी को ऐसे रोटेट करके खोलना होगा और उसके अंदर ही ये बैटरी लगेगी। अब ये चीज आप ध्यान रखना अगर आप ये वाला माइक परचेस कर रहे हो तो, कि ये बैटरी आपको तभी लगानी है जब आप DSLR से रिकॉर्ड कर रहे हो, क्योंकि वहां पे आपको इसमें बैटरी अटैच करनी होगी। अदरवाइज अगर आप फोन में रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर लैपटॉप में डाल के इसको यूज करना चाहते हो तो फिर आपको बैटरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बिना भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। और आप देख सकते हो कि इसमें हमको मिलते हैं बटन। अब ये एक सिंगल बटन है, ऊपर या नीचे स्लाइड करना होता है। लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, जब आप कैमरा से रिकॉर्ड करोगे, डिजिटल कैमरा या फिर आपके DSLR जो भी कैमरा जिसमें आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, तब आपको बैटरी भी लगानी होगी, इसको बटन को ऊपर स्लाइड कर देना होगा। अदरवाइज आप उसको नीचे ही रखो। नीचे रखोगे तो स्मार्टफोन पे सिलेक्टेड है, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन से ही रिकॉर्ड कर रहे हो। सिंपल सी चीज है, कोई हार्ड चीज नहीं है इसमें। इसकी लेंथ की बात करें ना वायर की, तो इसका वायर आता है लगभग 6 मीटर का। अब इसको मैं आपको खोल के तो नहीं बता सकता क्योंकि ऐसे कैमरा में बताना बहुत मुश्किल है, पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही आप समझो 6 मीटर काफी ज्यादा लंबा होता है, यानी कि आप दूर बैठकर भी उसको लगा के यूज कर सकते हो। अब जल्दी से मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूं। वैसे नॉइस रिडक्शन या नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ में नहीं आता है, ये सारी वॉइस को रिकॉर्ड करता है, लेकिन जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आती है। तो एक बार आप देखना, मैं आपको सुनाता हूँ। तो देखो दोस्तों, अभी मैं इस वक्त ये जो माइक है मैंने इसके ऊपर फोम नहीं लगा के रखा है, कंफ्यूज मत होना, मैं वही वाला जो है माइक को यूज कर रहा हूँ। मैं दूसरे फोन में एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये जो भी आपको साउंड सुनाई दे रहा है वो इसी बोया के माइक से सुनाई दे रहा है, नेचुरल। मैंने इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लगा रखा है और ना ही कोई नॉइस रिडक्शन जैसा फीचर यूज किया है। जो भी है नेचुरल आपके सामने है, आपको देख लेना। वैसे सारी की सारी ऑडियो रिकॉर्ड करता है आसपास की, बाहर आपको हो सकता है भी गाड़ियों का एसी की भी आवाज़ आ रही होगी और गाड़ियों की जो हॉर्न है उन हॉर्न की भी आवाज़ आपको जरूर है पॉसिबिलिटी की सुनाई दे रहा होगा। हाँ, तो उम्मीद है आपको हॉर्न की आवाज़ आ गई है। तो ये थी इसकी ऑडियो जो आपने सुन ली होगी। वैसे देखो क्वालिटी तो इसकी अच्छी है, क्वालिटी सही है। अगर आपको इसे रिकॉर्ड करना है ना तो आप आउटडोर में मत करना, अगर आप इंडोर में बिल्कुल साइलेंट एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड करते हो तो ये बहुत परफेक्ट है। या फिर अगर आपको वीडियो कॉल करना है अपनी जो मीटिंग होती है वो, या फिर लाइव स्ट्रीमिंग, तभी बहुत अच्छा काम करता है। सेंसिटिविटी बहुत तगड़ी मिलती है इसके अंदर, यानी कि बारीक से बारीक आवाज भी रिकॉर्ड करता है। तो अब अपन चलते हैं अपने दूसरे माइक की तरफ। दूसरा माइक कौन सा है, वो भी सेम बोया का है। ये है वायरलेस, एक रिसीवर के साथ में है और एक माइक है। वैसे इसके दो मॉडल आते हैं जिसमें आपको दो माइक भी मिल जाएंगे और एक रिसीवर मिलेगा। और मेरे पास जो है वो है एक रिसीवर एक माइक वाला, वैसे सेम मॉडल ही होते हैं, बस एक दूसरा मॉडल जो है उसमें आपको ड्यूल माइक मिल जाता है, बाकी सेम ही क्वालिटी है। तो इसको भी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूं मैं आपको।
आपको। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसमें हमको मिलेगी एक चार्ज करने के लिए एक केबल, और फिर मिलता है हमको एक रिसीवर, इसको हमको अटैच करना होगा हमारे फोन में, और एक मिलता है हमको माइक। माइक काफी सही क्वालिटी का है, इसमें देख सकते हो आप ऊपर के साइड लगा हुआ है फोन, और ये साइड में हमको दो बटन मिलते हैं, एक तो पावर बटन है, उसके ऊपर मिलता है ब्लू कलर का बटन जिसपे लिखा है नॉइस रिडक्शन NR शॉर्ट फॉर्म है। तो ये है माइक। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली अपने स्मार्टफोन के नीचे वो जो रिसीवर है उसको इंसर्ट कर दो। इंसर्ट करते हुए ब्लू लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी, ये तब तक ब्लिंक करेगी जब तक आप अपना इससे माइक कनेक्ट नहीं कर देते। माइक को कनेक्ट करने के लिए माइक का पावर बटन को प्रेस करके रखना है, जैसे प्रेस करके रखोगे ये लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी। अब दोनों में ब्लू लाइट जल रही है आपको दिख रहा होगा, तो इस तरीके से इन दोनों को कनेक्ट करते हैं और फिर सिंपली आप अपना रिकॉर्ड करो। वैसे ये वाला जो माइक है ना ये नॉइस रिडक्शन फीचर के साथ में आता है, अगर आपको नॉइस रिडक्शन चाहिए तो फिर आप अपना जो नॉइस रिडक्शन वाला बटन है उसको सिंगल बार टैप करो, बस एक बार प्रेस करना है, प्रेस करके रखने की जरूरत नहीं है, ग्रीन कलर की लाइट जल जाएगी यानी कि नॉइस रिडक्शन फीचर ऑन है। तो इस तरीके से नॉइस रिडक्शन ऑन हो जाता है। अब जो भी आप रिकॉर्ड करोगे उसमें आसपास की जो नॉइस है उसको ही रिकॉर्ड कम करेगा, हालांकि पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करता है आसपास के साउंड को, यानी कि अगर मैं कुछ रिकॉर्ड करना चाहूंगा अगर आसपास गाड़ियों के हॉर्न की आवाज है तो इसको रिकॉर्ड करेगा, थोड़ा सा कम कर देगा लेकिन तब भी रिकॉर्ड होती है। तो मैं आपको विदाउट नॉइस रिडक्शन ऑन किए और एक बार नॉइस रिडक्शन ऑन करके दोनों मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ, आप सुन के और फिर जज करना कि कैसा था इसका साउंड। तो दोस्तों अभी इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बोया के इस माइक से, तो बताना आपको कैसे लग रहा है इसका साउंड। तो एक तो अपनी ये वाली वॉइस जो रिकॉर्ड कर रहा है, अब मैं नॉइस कैंसिलेशन ऑन करूंगा। अभी तो हो सकता है कि आपको आसपास की आवाज भी आ रही हो, थोड़ा एसी की आवाज आ रही होगी, आसपास बाहर की गाड़ियों की भी आवाज आ रही होगी, तो अब नॉइस रिडक्शन ऑन कर लेते हैं। तो अब अपने नॉइस रिडक्शन ऑन कर लिया है, इसमें ग्रीन कलर की लाइट जल चुकी है, और अब जो भी मैं बोल रहा हूं उसमें ये आसपास की आवाज को रिकॉर्ड नहीं करेगा, सिर्फ मुझे ही रिकॉर्ड करेगा। काफी हद तक नॉइस रिडक्शन कर लेगा लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से नहीं करता है। अगर बाहर की तरफ कोई हॉर्न बज रहा है तो उसको ही रिकॉर्ड करेगा। अब वो तो देखो करेगा ही क्योंकि इसमें नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन है। तो इसकी भी आपने आवाज सुन ली है, आप जज करना आपको कैसा लगा। वैसे मैंने इसको जब यूज किया था मुझे काफी सही लगा। तो ये माइक जो है ये साइज में भी बहुत छोटा है, इसका साइज आप देखो ये 3 इंच से भी छोटी साइज का है, पूरा 3 इंच भी नहीं है। ये काफी लाइट वेट भी है, आप इसको यूज कर सकते हो अपने कॉलर में लगा के, ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए दिखेगा भी नहीं, अजीब सा भी नहीं लगेगा। यही चीज मुझे इसकी काफी सही लगी। वायरलेस वाले माइक का मैं आपको प्राइस बताना भूल गया, इसकी प्राइस है 2700 रुपए, 2700 रुपए। इसे भी आप परचेस कर सकते हो डायरेक्ट मुझसे, और इन दोनों को परचेस करने के लिए मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, स्क्रीन पर विजिबल है, इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप परचेस कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, प्रीपेड ऑर्डर ही रहता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक वीडियो में।